जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या करने जा रहे हैं हम, इसमें 250 से ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके हर पेपर में काम आएंगे। जैसे आपके पेपर है एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनआईए, आईटीबीपी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हर तरीके के एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम करने क्या जा रहे हैं, हम हिस्ट्री को हर तरीके से करेंगे, मतलब मेडिवल हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, हर तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे। हम करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि जैसे हमारे पास आज का टॉपिक है पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो ये इसमें है क्या क्या, क्या क्या चीजें कवर करी गई हैं, किस किस चीजें बारे में पढ़ना है, पहले मैं आपको वो बता दूंगा शॉर्ट व्यू के तौर पे। फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनवा के मैं आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। हिस्ट्री के बाद फिर ज्योग्राफी करेंगे, मतलब और भी कंटेंट हम करेंगे। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला पार्ट है वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक, अब इस काल में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आता है आपका सबसे पहले पीरियड्स। टोटल आपके पास तीन पीरियड्स हैं। वो तीन पीरियड्स क्या क्या है, पहला है आपका पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्योलिथिक पीरियड। हिंदी में आपको बोलूं तो मैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये आपके तीन काल में बांटा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा पैलोलिथिक पीरियड, यानी पूरा पाषाण काल। इसमें क्या था, हमने क्या करा था, इस पैलोलिथिक पीरियड को आप स्टोन एज भी बोलते हो, मतलब स्टोन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसको हम 300 में बांटते हैं। एक है आपका लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, ऐसे ही निचला पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और ऊपरी पूरा पाषाण काल। ये वो पीरियड था, इस पीरियड में लोग अपने लिए खाना बनाते नहीं थे, खाना इकट्ठा करते थे। कैसे, शिकार करके या पेड़ों से तोड़ के खाना इस तरीके से अपने तैयार करते थे। ठीक है, ये वो वाला पीरियड था, इसको आप स्टोन पीरियड भी बोलते हो। दूसरा आता है आपका मेसोलिथिक पीरियड, यानी मध्य पाषाण काल। अच्छा, इस काल में क्या था, ये वो काल था जिस काल में लोगों ने जानवरों को पालना स्टार्ट किया था। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पहला कौन सा जानवर था जिसको उस समय के लोगों ने पाला था, तो वो था आपका डॉग, यानी कुत्ता। क्यों डॉग इसलिए पाला था, क्योंकि डॉग क्या करता था, जब भी जैसे जहां पे वो रहते थे वहां पे आसपास कई सारे जंगली जानवर होते थे, तो डॉग क्या करते थे, जो कुत्ते क्या करते थे, वो ना उनको सचेत कर देते थे कि नहीं ऐसा कोई आ रहा है, तो वो उस हिसाब से चौकन्ने हो जाते थे कि हमें कैसे उनसे बचना है। ठीक है, और इसी पीरियड में उन्होंने कुछ टूल्स भी इस्तेमाल करे थे जिसको आप माइक्रोलिथ भी बोलते हो। ठीक है, तीसरा जो आपका काल आता है, मतलब पीरियड, वो होता है आपका न्यूलिथिक पीरियड, यानी नव पाषाण काल। इस काल में क्या था, इस काल में लोगों को आग की जानकारी उनको मध्य पाषाण काल में ही मिल गई थी, मगर जो उन्होंने इस्तेमाल किया था उसको उन्होंने नव पाषाण काल यानी न्यूलिथिक पीरियड में उसमें इस्तेमाल किया था। और इसी पीरियड में लोगों ने फार्मिंग एक्टिविटीज भी स्टार्ट करी थी, मतलब जो खेती का जो काम करते थे, खेती गतिविधियां, वो इन्होंने इसी पीरियड में करनी शुरू करी थी। अब एक और पीरियड आता है जिसको आप चालकोलिथिक काल बोलते हो। ये पीरियड हर जगह कवर नहीं करते, वैसे मेनली तीन ही काल होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इंग्लिश में पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्योलिथिक पीरियड। मगर एक और पीरियड बनता है, वो था आपका चैलोलिथिक पीरियड। इस पीरियड में क्या था, उन लोगों ने कॉपर और स्टोन के टूल्स बनाने स्टार्ट करे। कॉपर ये पहला मेटल था जो लोगों ने, मतलब उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने डिस्कवर किया था। कॉपर पहले था, लोहा नहीं था, हर जगह कंफ्यूजन होती है, आप सब लोहा याद रखते हो, लोहा नहीं है, है क्या, तांबा। तो तांबा उन्होंने उस टाइम पे खोजा था, वो इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इस पीरियड को आप चालकोलिथिक पीरियड बोलते हो, बट ये पीरियड ज्यादा नहीं पूछा जाता, मतलब इसको आप पीरियड में कई बार नहीं भी गिनते हो, मैंने आपको बस बता दिया। आइए स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर जो हमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इस पीरियड के अकॉर्डिंग या पीरियड के हिसाब से, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं वो है हमारा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है पैलोलिथिक पीपल वर, पूरा पाषाणकालीय लोग क्या थे, वो थे आपके क्या थे, अभी आपने पढ़ा था वो क्या थे, फूड गैदर्स एंड हंटर्स, मतलब भोजन को इकट्ठा करते थे या तो शिकार करते थे। अच्छा, ये शिकार करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, मतलब क्या इनके पास होता था औजार के तौर पे, तो ये बेसिक स्टोन, मतलब जो आपके नॉर्मल से पत्थर होते थे उनसे औजार बनाते थे, या वो नहीं मिले तो किसी की हड्डियां, मतलब जानवरों की हड्डियां मिल गई उनसे उन्होंने कोई औजार सा बना लिया, सिंपल एक कुल्हाड़ी जैसा वो बना लिया जिससे कि वो शिकार कर सके, तो उसका वो इस्तेमाल करते थे। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका सी, जो पैलोलिथिक पीपल थे वो आपके फूड गैदर्स एंड हंटर्स थे, मतलब वो भोजन इकट्ठा करते थे और शिकार किया करते थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है पैलोलिथिक मैन लाइव्ड इन, जो आपके पैलोलिथिक पुरुष थे वो कहाँ रहा करते थे, वो रहते थे आपके गुफाओं में, सिर्फ गुफाओं में नहीं, आप सिंपल उसको आप हाउसेस भी बोल सकते हो, मतलब एकदम अगर मैं बोलूं सिंपल हट्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे कि थके हुए घर है, पेड़ों पर है, मड हाउसेस, ये ऑप्शन नहीं है, या तो गुफाएं बोलोगे आप, या तो आप सिंपल झोपड़ियों में रहा करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ए, केव्स इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा Who of the following belong to Negrito race? निम्नलिखित में से कौन Negrito जाति का था? अच्छा, ये Negrito जाति है क्या? Negrito race है क्या? सबसे पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये वो, वैसे टोटल हमारे पास टोटल पांच जातियां हैं, उनमें से Negrito एक है,
ये वो लोग थे जो साउथ एशिया लाइक जैसे अंडमान निकोबार हुआ, फिलीपींस के अगता, एता, ये सब नेग्रिटो में से थे। मतलब ये वहां पे रहने वाले जो लोग थे वो सारे नेग्रिटो उसमें आते थे, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के भी आते थे इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में नॉलेज कब मिली, मतलब इसके बारे में जानकारी कब मिली थी कि कौन से उसमें आते थे ये? तो ये हमें पता चला था पैलोलिथिक मैन, मतलब पूरा प्राचीन काल में हमें या पूरा प्राचीन पुरुष में हमें पता चल गया था ये वो लोग थे जो नेग्रिटो रेस में आया करते थे। तो इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा माइक्रोलिथ वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स टूल ऑफ। ये पॉइंट अगर आपने अभी देखा हो, माइक्रोलिथ की विशेषता उपकरण थे, ये मैंने पॉइंट ऊपर बताया भी था जब मैं आपको समझा रहा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड पूरा प्राचीन काल में क्या क्या चीजें थी, तो उसमें ये वाला पॉइंट आया था माइक्रोलिथ कैरेक्टरिस्टिक्स टूल किस में थे। तो ये थे आपके मेसोलिथिक एज में, मतलब मेसोलिथिक जो आपका पीरियड था उसमें आपके माइक्रोलिथ टूल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ डी। तो इससे आपको ये भी चलता है कि जो आपने ऊपर भी शॉर्ट समरी देखी थी प्री हिस्टोरिक पीरियड की, वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेस पर अचानक से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो अगर आपको वो याद है तो आप इसका आंसर बिना कुछ ज्यादा सोचे आप इसका आंसर दे दोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड ड्यूरिंग। अब ये बताइए जो डोमेस्टिकेशन था एनिमल का वो कब स्टार्ट किया गया था? वो स्टार्ट किया गया था आपका, अभी आपने पढ़ा था, मेसोलिथिक पीरियड में। लेकिन क्या ऑप्शन में मेसोलिथिक दे रखा है? नहीं दे रखा है, मध्य प्राचीन काल तो दे ही नहीं रखा है। तो अब हम क्या ऑप्शन डालेंगे? देखिए नव प्राचीन काल तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बाद में आया था, हड़प्पन युग भी नहीं हो सकता ना ऋग्वेदिक युग हो सकता है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये लेट पैलोलिथिक एज थी, मतलब जो आपका पूरा प्राचीन काल था वो बाद वाला जो था उसके थोड़ा सा लास्ट के समय में आपने एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका ए। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार आपको ऑप्शन देख के भी आंसर देने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हुआ ए। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन, जो कि हमारा हु ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन, यानी निम्न में से किसे क्वार्टजाइट मैन कहा जाता है। सबसे पहले ये क्वार्टजाइट मैन है क्या, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जो आपका पाषाणीय काल था, पूरा पाषाणीय काल पैलोलिथिक एज था, उसमें जो चीजें बनाया करते थे वो स्टोन से बनाया करते थे, मतलब पत्थरों से बनाया करते थे। और उसी से हमें पता चला था कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, मतलब मानव है, उसी काल से हमें पता लिया था। तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, जो रॉक्स का, मतलब जिन वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे औजार बनाने के लिए, उसको क्वार्टजाइट कहा जाता था। तो ये कौन से पीरियड की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपके पैलोलिथिक पीपल की। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ए, पैलोलिथिक पीपल। इसका आंसर हो गया ए। तो इससे आपको पता लिया ना क्वार्टजाइट क्या होता है, क्वार्टजाइट उस तरह के पत्थरों का को कहा जाता था। कौन से टाइम का बात है ये, पैलोलिथिक काल की। इसका आंसर हुआ ए। अभी बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा पैलोलिथिक पीपल वर्शिप्ड। यहाँ पे नंबर आया चालोलिथिक लोगों ने पूजा की किसकी, जो आपका लास्ट वाला एक मैंने पीरियड बताया था, जो मैंने कहा था कि इसको हम पीरियड में कई बार नहीं भी गिनते हैं। उस टाइम पे क्या था, वो किसकी पूजा क्या करते थे, वो क्या करते थे आपकी मदर गॉडेस एंड बुल की। वो मानते थे कि ये हमें कुछ देते हैं जिनसे कि इनकी पूजा करो तो और तरक्की होगी या और चीजें। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, इसका आंसर हुआ हमारा सी। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा ब्लैक एंड रेड पॉटरी वॉज मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग। काला और लाल मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहाँ थे या कब थे? तो वो मैं बोलूंगा आपका, वो थे आपके चैलोलिथिक पीरियड में। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो लेट ब्रॉन्ज एज, जो आपका कांस्य काल था, बाद का कांस्य काल और ये चैलोलिथिक पीरियड एक ही में आता है, उस टाइम पे ये फेमस हुआ था। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे उनको कई चीजें और भी मिल गई थी, जैसे धातु मिल गई थी तो उसका कुछ इस्तेमाल करके बना सकते थे, और ये मट्टी का इस्तेमाल आपने पढ़ा था, ये मट्टी के ईंट बनाने लग गए थे। तो इस तरह से उनको ब्लैक एंड रेड पॉटरी बनी थी। अच्छा ये तो पता है ना आपको, ये पॉटरी मिट्टी के बर्तन जो बना रहे हैं ये ब्लैक और रेड का मतलब क्या, ये मट्टी से है, कि काली मिट्टी और लाल मिट्टी उसके बेस पे बनाया करते थे। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका ए। आइए बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विच मेटल वॉज नोन टू न्यूलिथिक पीपल। न्यूलिथिक पीपल को किस धातु से जाना जाता था, मतलब उस टाइम पे जो उन्होंने कौन सा धातु इस्तेमाल किया था? तो उन्होंने इस्तेमाल किया सबसे पहला धातु था वो था आपका कॉपर। कॉपर पहला धातु था जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। मैंने आपको बताया भी था न्यूलिथिक पीपल में बताया था उन्होंने क्या किया था, कॉपर का इस्तेमाल किया था सबसे पहले। आयरन नहीं है इसका आंसर, कई बार कंफ्यूजन होती है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी, कॉपर पहला धातु था। आइए बढ़ते हैं हमारे दसवें क्वेश्चन, जो कि हमारा एट विच प्लेस एविडेंस ऑफ ऑल थ्री फेजेस पैलोलिथिक मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस। मतलब ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे आपके हर सारे काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आपका नव पाषाण कालों के अवशेष या कुछ भी ऐसा कुछ पाया गया था कि है ऐसा कुछ पाया जाता है, वो थी आपकी सोहान घाटी, सोहान वैली। अच्छा ये सोहान वैली है कहाँ पे, ये है आपकी पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये है कहाँ, ये आपके सिंध और झेलम नदी के बीच में पड़ता है, 100 किलोमीटर के लमसम का एरिया है इसका, और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। सोहान वैली का नाम और भी है, जैसे कि सोहान, सावन, सोहान, ये इसके नाम है। समझना कि सोहान वैली क्या है, बिल्कुल ये कहाँ पड़ता है आपका, पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। इसका आंसर हुआ आपका ए, यहीं पे आपको सबका एविडेंस मिला था।
आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द अर्लिएस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वॉज, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल था, सबसे पहला काल कौन सा था, मानव अस्तित्व को कब पता चला था कि ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मानव है, वो था आपका पैलोलिथिक पीरियड, मतलब पूरा पाषाणीय काल, ये वो काल था जो कि आपका आपको पता चला था कि हाँ मानव है। कैसे पता चला था, आपने देखा कि उनके द्वारा बनाए गए जो स्टोन के पत्थर, पत्थरों के जो औजार थे या कुछ अवशेष मिले थे, जहां से हमें आइडिया लगा था कि हाँ ये वो पीरियड था जहां पे लोग रहा करते थे। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका सी, पैलोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाणीय काल इसका आंसर है। तो यहाँ हमारा पहला पार्ट जो कि हमारा प्री हिस्टोरिक यानी पाषाण काल खत्म होता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, मतलब जो हिस्ट्री हमारा दूसरा पार्ट है वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा ये चीज क्या थी, ये हमारी हिस्ट्री का सेकंड पार्ट आता है, मतलब जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है यानी आपका जो पाषाणीय काल था, फिर आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको सिविलाइजेशन पढ़नी है, मानी सभ्यताएं पढ़नी है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये आपको इसमें कवर करना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता ये क्या थी, तो इट वॉज द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया विच स्प्रेड अक्रॉस वास्ट एरिया ऑफ प्रेजेंट इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी ये वो सभ्यता थी, ये पहली दक्षिण एशिया सभ्यता थी जो वर्तमान भारत और पाकिस्तान के विशाल क्षेत्र में फैली थी। पहले जो आपका मोहनजोदड़ो था या जो हड़प्पा था, ये सारा एक ही हिस्से में था, ये सारा भारत में था, लेकिन जब बंटवारा हुआ था तो काफी हिस्सा हमारा पाकिस्तान में चला गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विशाल क्षेत्र में ही फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें था क्या, सबसे पहले जो जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की, सभ्यता की, उसका मतलब कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन आए होंगे। वो परिवर्तन किस तरीके से थे, जैसे कि हमारा सबसे पहला आता है टाउन प्लानिंग। अच्छा ये क्या था, इसमें क्या था कि हर चीज सिस्टम दे रखी थी, मतलब कि किस तरीके से वहां पे घर बने होंगे, किस तरीके से वहां पे पानी जाने की व्यवस्था होगी, या कैसे वहां पे लोग इस्तेमाल करेंगे, कैसे वहां लोग रहेंगे, वो सारी व्यवस्था वहां की, मतलब पक्के घर थे, जली हुई ईंटों से, मतलब घर जो बनाए जाते थे ईंटों से, पक्की ईंटों से पका के, फिर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी था, देखने में अच्छा था, और वहां पे आयरन इंप्लीमेंट्स अभी तक नहीं आए थे। तो आपने पढ़ा था लास्ट पीरियड, अगर आपने याद हो तो आपने पढ़ा था कि आयरन के टूल्स अभी आपने इस्तेमाल नहीं करें, उसके बिना भी कितने अच्छे तरीके से वहां पे सजावट कर रखी है, उसको आप बोलते हो टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं सिविलाइजेशन। तो हमारी जो पहली सिविलाइजेशन थी, जो पहली सभ्यता थी, वो थी हमारी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसको और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। इसको हम कांस्य सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। अच्छा ये कहाँ पे है, ये आपकी रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, कहाँ पे, पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। पंजाब आपके पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, ये आपके पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको खोजा किसने किया था, मतलब जो खुदाई इसकी स्टार्ट होती है उस टाइम पे थे आपके दयाराम साहनी। कब की बात है ये बात है 1921 से 1923 की। ठीक है, इस टाइम पे आपका कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन का इतना इतना पॉइंट आपका बनता है। अगला आता है हमारा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सभ्यता। इसको आप माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है, ये है आपका इंडस नदी, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है। अब ये इसको किसने खोज किया था, इसकी खोज करी गई थी आर डी बनर्जी ने, कब, 1922 में, यानी 1922 में आर डी बनर्जी ने इसकी खुदाई शुरू करवाई थी, उनके देखरेख में हुई थी। हड़प्पा हुई थी 1921 से 1923 के बीच में, और मोहनजोदड़ो हुई थी 1922 में। तो मतलब हड़प्पा के बाद उनको लगा कि ऐसा कुछ रहा होगा, तब उन्होंने हड़प्पा जो खोजा गया था वो हड़प्पा पाया गया था। अच्छा आपको ये पता है कि हड़प्पा पहले थी या मोहनजोदड़ो पहले थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन पहले थी, उसके बाद आपकी मोहनजोदड़ो सभ्यता आई थी। ठीक है, ये था क्या मेनली, ये जो दोनों सभ्यताएं थी, ये एक तरीके से ना आपके मार्केट का एरिया थी। मैं आपको बोलूं यहाँ पे दूर दूर से लोग व्यापारी आया करते थे, अपना व्यापार किया करते थे दोनों जगह पर। मोहनजोदड़ो बाद में डेवलप किया गया था कि कुछ कमियां जो हड़प्पा में थी, मतलब जो अच्छी जो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी, जैसे कि वहां पे जो लोग व्यापारी आया करते थे उनके सही से खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी या उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो मोहनजोदड़ो में वो सारी व्यवस्था को दूर किया गया। यहाँ पे एक बहुत खास बड़ी बात, यहाँ पे एक ग्रेट बाथ बनाया गया था, बड़ा स्नान घर, वो आपके मोहनजोदड़ो में था, ये फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आई थिंक आगे क्वेश्चन होगा, तो वो भी मोहनजोदड़ो के टाइम पे आया था। ठीक है, अब हम आते हैं कालीबंगन। ये कालीबंगन क्या है, कालीबंगन को आप ब्लैक बंगल्स यानी काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये कब डिस्कवर किया गया था, इसको बीबी लाल ने 1953 में डिस्कवर किया गया था। कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपकी घाघर नदी पे बसा हुआ है, मतलब घाघर नदी के पास है ये। ठीक है, अगला आता है आपका लोथल। ये लोथल क्या था, लोथल आपका 1954 में एसआर राव ने खोज किया था। कहाँ पे है, ये भगवा नदी के परिस्थित है। जो आपका लोथल है, ये सिंध प्रांत का, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक फेमस पोर्ट है, यानी बंदरगाह भी था, बंदरगाह शहर था, यहाँ से लोग मतलब कनेक्टेड थे। अब कुछ और बताऊं आपको, तो इन सभ्यताओं में जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस समय पे टेम्पल्स नहीं थे। अगर मंदिर रहते तो क्या वो किसी की पूजा नहीं करते थे, किया करते थे, मगर
ऐसा कोई वहां पर मंदिर थे ऐसा हमें कोई पता नहीं चला है, मतलब इसके हमें कोई अवशेष नहीं मिले हैं कि वहां पे मंदिर रहा होंगे। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो जहाँ यहाँ पे जो रहा करते थे लोग, जो यहाँ के निवासी थे, वो ज्यादातर मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मूर्ति निर्माण की कलाओं में ज्यादा अच्छे से कुशल थे, मतलब वो ज्यादा अच्छे से करते थे। उसके बाद इस सभ्यता में अगर मैं बात करूं आपकी हड़प्पा सभ्यता में, तो जो लोग जब मर जाते हैं तो उनकी शवों को दफनाने की और जलाने की सभ्यता स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब लोग उनको कुछों को दफनाया जाता और कुछों को जलाया जाता था, ये स्टार्ट हो चुका था इसी टाइम पे। तो ये कुछ आपका शॉर्ट व्यू था किसके लिए, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, माने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कुछ मेन मेन की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हमने तैयार कर रखे हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन, मतलब जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, ये लाइन कैसे है। हमने 11 क्वेश्चन करे थे प्रीहिस्टोरिक पीरियड में जो उसमें बने थे, हम उसी के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं, हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब जो 12वां क्वेश्चन है, क्या है हमारा, द एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एट, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य सबसे पहले किस पर खोजे गए थे, मतलब कहां पे खोजे गए थे। तो अभी आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले कहां खोजे गए थे, सबसे पहले खोजे गए थे आपके हड़प्पा में, कब, 1921 से 1923 के बीच में। कहां पे बसा हुआ है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। किसने खोज करी थी, दयाराम साहनी ने। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका बी, हड़प्पा। अगर आपने ऊपर के पॉइंट्स पढ़े हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने ऊपर जो शॉर्ट व्यू है उसको अगर आपने पढ़ा है तो आपको इनके आंसर देने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आपको काफी आइडिया रहेगा कि अच्छा हाँ, शॉर्ट व्यू में ये था, सर ने ये बताया था, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन अच्छे से आसानी से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी, हड़प्पा। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या थी, शहरी, देहाती, ग्रामीण, खानाबदोश। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप मुझे खुद सोच के बताइए कि वो क्या रही थी। हाँ मैं मानता हूँ कि इसका जो आपने आंसर है मैंने वहां पॉइंट्स में नहीं बताया, लेकिन क्या जो मैंने बातें वहां बताई थी उसके बेस पे आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, शहरी है, देहाती है, ग्रामीण है, खानाबदोश है। ये शहरी है। अच्छा ये शहरी कैसे है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सबसे अच्छी ड्रेनेज सिस्टम है, पक्के मकान है, ईंटों से बने हुए मकान है, तो ये किसमें होते हैं, तो शहरी सिस्टम में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, ए, अर्बन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंडेड। मैंने कहा था इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रेट बात कहां पे पाया गया था, मैंने बताया था आपको ये मोहनजोदारो में पाया गया था। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका सी, मोहनजोदारो। अच्छा ग्रेट बात था क्या, ये बहुत ही था, ये 83 मीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, और कितना गहरा था, ये लमसम लमसम 8 फीट गहरा था, ये मतलब एक तरह से स्नान ग्रह था बहुत बड़ा, ताकि आप कोई भी जाकर आराम से स्नान कर सकता है। तो इसका आंसर आपका सी, मोहनजोदारो में आपका ग्रेट बात पाया गया था। अभी बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन, जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द हड़प्पन पॉटरी वर ऑफ, जो हड़प्पन पॉटरी सबसे ज्यादा हुई थी वो कौन से उसकी थी, मतलब किस तरह के बर्तन बनाया करते थे, वो ज्यादा बनाया करते थे आपके रेड कलर के, लाल रंग के, क्योंकि आपने देखा जो उनको मिट्टी पाई जाती थी पास में जाता लाल मिट्टी पाई जाती थी, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि वहां पे जो सबसे पहले जो बनाए गए थे वो रेड कलर में बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या है आपका, ए, रेड कलर इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच मेटल सीम्स टू बी फर्स्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन, हड़प्पन द्वारा सर्वोत्तम किस धातु का उपयोग किया गया लगता है, मतलब उन्होंने कौन सा धातु सबसे पहले इस्तेमाल किया था। यहाँ पे बात हो रही है हड़प्पन की, आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड में नहीं जाना, वहां पे तो हमने आंसर याद है, वहां तो हमने कॉपर पढ़ा था कि उस टाइम पे जो आपके पूरा पश्चिमी लोग थे उन्होंने कौन सा धातु सबसे पहले इस्तेमाल किया था, वो तो कॉपर था, मगर यहाँ पे बात आ रही है हड़प्पन की, तो हड़प्पन ने सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो था आपका ब्रॉन्ज। अगर आपको एक पॉइंट याद हो, जब मैं आपको समझा रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वहां पे मैंने एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी, मतलब कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर तो वहीं से बदल गया, ब्रॉन्ज। अच्छा ये कांस्य क्या होता है, ब्रॉन्ज आपको धातु नहीं होता, ये एक तरह का आपका एलॉय की तरह होता है, किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से मिलकर आपका ब्रॉन्ज बनाया जाता है कांस्य। इसका एक मेन मोटिव मैं आपको बताऊं तो ब्रॉन्ज कैसे, उस टाइम पे ना जो मूर्तियां बनाया करते थे वो खोखली मूर्तियां हुआ करती थी, अब वो क्या करते थे ना, वो मोम की मूर्तियां बनाते थे और मोम की मूर्ति के अंदर आपको एक कांस्य डाला करते थे उसके अंदर की मूर्ति, ताकि ना वो सही से रुक सके, और बाद में मोम को हटा दिया करते थे, तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो पीरियड था जो उस टाइम जो मेटल उसका था वो ब्रॉन्ज। इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर आपका डी, कांस्य इसका आंसर हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, कुछ बात आपको एक याद दिलाता हूँ, कुछ चीजें जो हमने आपके लिए तैयार कर रखा है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, वो है आपका हमने कुछ मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं, जैसे जो भी आप यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर जो आपने यहाँ क्वेश्चन देखे हैं या कुछ और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके ऊपर हम आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार करते हैं, वो आपके लिए एकदम फ्री है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, उस लिंक को ओपन करिए, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब यही जो क्वेश्चन है और कुछ और भी क्वेश्चन जो इसके ऊपर बन सकते हैं वो हमने वहां पे बना रखे हैं,
तो उन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। आप अपना स्कोर चेक करिए, आपका अगर लगता है कि आपने अच्छे स्कोर करा है तो और अच्छा है, और प्रैक्टिस करिए। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो उसको दोबारा अटेम्प्ट करिए, तब तक अटेम्प्ट करिए जब तक कि आप अच्छे स्कोर ना कर पाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन, जो कि हमारा विच वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद है इस क्वेश्चन का आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर कौन सा था? मैंने बताते टाइम आपको याद भी दिलाया था, वहां पर मैंने लाइन भी लिखी थी कि पोर्ट सिटी कौन सी थी उस टाइम की, वो थी आपकी लोथल। लोथल आपकी पोर्ट सिटी थी। अगर मैं कुछ बताऊं तो ये कहां पे था, ये भोगव और साबरमती नदी के बीच में पड़ता है। यह एक आयताकार भूखंड की तरह था जो डॉकयार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि भाई सामान वगैरह कहां रखा जाएगा, तो वो था आपका। इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर आपका सी, लोथल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हड़प्पन कल्चर आर। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना क्या थी? सबसे उन्होंने क्या बनाया था, ज्वेलरी, जवानों, सील्स, कांसे के आभूषण या इन सब? सबसे उन्होंने बनाए थे सील्स। अच्छा, ये सील्स क्या होते हैं? ये सील्स आपके इधर की मोहरे होती हैं। आपने मोहर समझते हो ना, मोहर क्या होती है, जैसे हर जगह मोहर बनती थी ताकि बता सके कि भाई ये इसकी मोहर है, बता सके ये यहाँ से आया हुआ है, तो मोहर बनती थी। तो सील्स क्या है आपकी, ये मोहर होती थी। बात आ रही है यहाँ पे हड़प्पन टाइप की, तो हड़प्पन टाइम में लगभग उस टाइम पे जो मोहरे थी उनके पास 2000 अलग अलग मोहरे थी, मतलब 2000 तरह की मोहरे थी उनके पास उस टाइम पे हड़प्पन कल्चर में। और ये मोहरे बनती किस उस पे थी, ये थी अलग अलग तरीके की जानवर के उस पे, मतलब उनके अवशेष पे उस पे बनाई जाती थी। कि जैसे थोड़ा कहीं पे आपको गेंडा दिखा दिया कि उस मोहर में गेंडा दिखा रखा है, हाथी दिखा रखे हैं, उस बेस पे होती थी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी, सील्स मोहरे इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन, जो कि हमारा सील्स वर परहैप्स यूज्ड बाय, जो आपके ये मोहरे होती थी उसका इस्तेमाल कहां किया जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा एक इश्यू आया, यहाँ पे हम सील्स को जवान लिखा गया हिंदी में, यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है कुछ, यहाँ पे आपके मोहरे होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता था, कौन करते थे? अच्छा मुझे बताइए, मोहरे का इस्तेमाल कौन करेंगे, खेतीहर मोहर का इस्तेमाल करके क्या करेगा, या शासक क्या करेगा? मोहर तो आप इस्तेमाल करते थे ट्रेडिंग के टाइम पे, मतलब आप व्यापार करते थे तब आप मोहर का इस्तेमाल करते हो, तो कौन करेगा इसका उपयोग? इसका उपयोग करेंगे आपके मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, व्यापारी, व्यापारी जो समुदाय था वो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर आपका सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन, जो कि हमारा हड़प्पन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स वर मेड ऑफ। हड़प्पा के औजार किसके थे, मतलब किस तरीके से बने थे? वो आपके बने थे कॉपर एंड ब्रॉन्ज के। अभी आपने पढ़ा था हड़प्पा के टाइम पे ब्रॉन्ज के तो वो मूर्तियां वगैरह बनाया करते थे, लेकिन अगर मैं बात करूं टूल्स की, और भी तो औजार थे, तो कॉपर तो इंप्लीमेंट हो चुका था, कॉपर तो पहले भी डिस्कवर हो चुका था, तो वो जो औजार बनाया करते थे वो दोनों से मिला के बनाया करते थे, मतलब कुछ कॉपर के बनाते थे, कुछ ब्रॉन्ज के, कुछ दोनों को मिला के। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका डी, कॉपर एंड ब्रॉन्ज इसका आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द ग्रुप ऑफ 6 ग्रेनरीज इन अ रो हैव बीन फाउंड एट। एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार का समूह किस पर पाया गया है? ये अन्न भंडार क्या है, एक तरीके से आप बफर स्टोर, आप जानते क्या होता है बफर स्टोर, वो होता है जहां पे आप अपने अन्न को संभाल के रखते हो ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके, तो वो नहीं की यहाँ पे बात हो रही, अन्न भंडार माने वही है। यहाँ पे बात करिए 6 अन्य भंडार पंक्ति में, तो वो आपके हड़प्पा में थे। और अगर बात करी जाए एक बहुत बड़े भंडार के, मतलब ग्रेट ग्रेनरी की, तो वो आपके मोहनजोदड़ो का था, लेकिन यहाँ पे पूछे गए 6 अन्य भंडार एक पंक्ति में, तो वो थे आपके हड़प्पा में। अच्छा, इसको तैयार कैसे किया गया था, एक सर्कुलर चबूतरा, मतलब एक उन्होंने सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाया था, गोलाकार चबूतरा तैयार कराया था, उसके ऊपर रखा जाता था। क्यों? ताकि अगर मान लो कहीं से बाढ़ आ जाती है तो सारा अन्न तो बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा उसको ऊंचाई पे रखा करते थे ताकि अन्न हमारा सेफ रहे, हमेशा बचा रहे, और जरूरत पड़े पर उसको इस्तेमाल कर सके। इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा ए, हड़प्पा इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन स्थल हिंडन नदी के तट पर स्थित था? हिंडन नदी कहाँ पड़ती है आपके, हिंडन रिवर पड़ती है आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जो आपका जिला पड़ता है उसके नजदीक पड़ती है हिंडन नदी। अब यहाँ पे कौन सा हड़प्पन साइट थी, वो थी आपकी आलमगीरपुर, जो आपकी आलमगीरपुर साइट थी, ये आपकी हड़प्पन साइट थी और ये हिंडन नदी के किनारे बसी हुई थी। इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका ए, आलमगीरपुर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट हैज बीन फाउंड इज। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी इमारत किसे पाया गया है, जो मतलब आगे भी पाई गई थी, वो है आपका ग्रेनरी एट हड़प्पा, यानी हड़प्पा में जो अन्न भंडार था उसको सबसे बड़ी बिल्डिंग बोला गया है, क्योंकि अन्न भंडार, जब अन्न को आप भंडार करके रखते हो तो बहुत जगह चाहिए उसके लिए, और बहुत सेफ्टी भी चाहिए भाई, क्योंकि खराब नहीं हो जाना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी गई थी। और इसके बाद ही हमने फिर मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा भंडार बनाया था। देखिए, अगर क्वेश्चन कई बार पूछा तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगर उसने 6 छोटे अन्न भंडार बोले मतलब 6 अन्न भंडार, तो वो हड़प्पा की बात कर रहा है, लेकिन अगर उसने एक बहुत बड़े भंडार की बात करी है, एक बहुत बड़ा अन्न भंडार, तो वो आपका मोहनजोदड़ो का था। तो इसका आंसर है हमारा बी, ग्रेनरी एट हड़प्पा इसका आंसर है। यही पढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन, जो कि हमारा
लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड एट, सबसे ज्यादा सील मोहरे की संख्या कहां पाई गई थी? तो आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा पाई गई थी मोहनजोदड़ो में। कितनी? हड़प्पा में, अभी हमने पढ़ा था हड़प्पा में थी 2000, और मोहनजोदड़ो में जो पाई गई थी वो थी आपकी 3500 तरह की मोहरे थी वहां पे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका बी, मोहनजोदड़ो उसका आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा हु लाइव इन द सिटाडेल एरिया ऑफ हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन शहरों के गढ़ क्षेत्र में कौन रहता था? तो वो थे आपके वहां पे कौन रहेगा, तो सिटाडेल क्या था, मैं आपको एक बार इसको बताऊं। तो जो आपका एरिया था ना, वहां पे उन्होंने दो हिस्सों बांट रखा था, एक था आपका अपर पार्ट और एक था आपका लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट वाले को आप सिटाडेल एरिया बोलते थे, मतलब गढ़ क्षेत्र बोला करते थे। तो यहाँ पे कौन रहा करता था? यहाँ पे जो अमीर लोग थे, या जो मतलब थोड़ा सा भाई जिनका रुतबा चलता है, वो लोग हुआ करते थे। तो इसका आंसर है आपका ए, जो शासक थे, मतलब जो वहाँ पे राजा या जो मंत्री के तौर पे रहा करते थे, वो यहाँ रहा करते थे। तो इसका आंसर है आपका ए, कि यहाँ पे इनको सारी सुविधाएं दी जाती थी, यहाँ पे इनके लिए भाई नौकर वगैरह भी रहा करते थे और सारे काम करने के लिए सब इनके यहाँ पे थे। तो इसका आंसर आपका ए। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द मेन क्रॉप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉर, मुख्य फसल क्या थी हड़प्पा सभ्यता में? तो वो थी आपकी वीट एंड बर्ली, जो गेहूं और जौ है, ये आपकी मुख्य फसल थी। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा इनकी खेती के बारे में बताऊं, तो ये क्या क्या करते थे, ये बुआई करते थे नवंबर में, मतलब तो सोयाबीन का पीरियड होता था वो इनका नवंबर में होता था, और जो ये कटाई किया करते थे, मतलब हार्वेस्टिंग वाला पीरियड, वो था इनका अप्रैल का। ऐसा क्यों करते थे ये ऐसा इसलिए करते थे कि बाढ़ आने से पहले, इनको ये था कि अप्रैल के बाद भाई बारिश का सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, तो उस टाइम पे बाढ़ आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ये क्या करते थे, बाढ़ आने से पहले ही अपनी कटाई किया कर लिया करते थे। तो क्या होता है, ये नवंबर में बुआई करते थे और अप्रैल तक कटाई कर लिया करते थे। इसका आंसर क्या आपका ए, वीट एंड बर्ली आपकी मुख्य फसलें थी। तो और भी पीज, मेज, और भी चीजें थी, बट ये थोड़ी मुख्य थी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन टाउन्स, हड़प्पन के शहरों की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी थी? बता सकते क्या हो सकती है? अन्न भंडार, बड़े बाथरूम, ग्रिड योजना, जल निकास। तो इसका आंसर है आपका ग्रिड प्लानिंग। अच्छा, ग्रिड प्लानिंग क्या होता है? ये ग्रिड योजना होता है कि एक ना, मतलब नक्शा तैयार करते हो कि किस तरीके से आपके यहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी, कहाँ पे लोग बैठेंगे, कहाँ से लोगों का रास्ता निकलेगा, पानी कहाँ से जाएगा, लोग खाना कहाँ खाएंगे, ये मतलब ये सारी व्यवस्था जो होती थी वो ग्रिड प्लानिंग में आती थी। तो ये हड़प्पन से स्टार्ट हुई थी, हड़प्पन जो टाउन्स बनाए गए थे ना उस टाइम पे ग्रिड प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई थी। तो इसका आंसर है आपका सी, ग्रिड प्लानिंग इसका आंसर है। यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट हिस्ट्री का जो हम कर रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, वो हमारे यहाँ पे खत्म होता है। तो हमारा जो हिस्ट्री का अगला पार्ट होगा, इतिहास का जो हम अगला पार्ट करेंगे, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उस वीडियो में हम इसी के बाद से, मतलब इस पीरियड को खत्म होने के बाद से 28 क्वेश्चन से ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।